साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। साथियों कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। कुवैत से रिलेटेड जॉब आया हुआ था तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैन पावर का काम रहेगा, इंपॉर्टेंट बात यहां बिठा लें। लाइसेंस होल्डर भारतीय रजिस्टर्ड जो विदेश मंत्रालय द्वारा होता है उनका ये काम है, तो आप चाहो तो यहाँ पे अपना काम करवा सकते हैं। जो जॉब आते हैं मैं वीडियो डाल देता हूँ, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मेरे को बीच में आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एड्रेस डाल दूंगा, डायरेक्ट वहां जाके आप अपना इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं। तो साथियों ये जॉब है ओनली फॉर ड्राइवर्स के लिए। जी हाँ साथियों, ड्राइवर्स अगर आप हैं, कंडीशन कंपनी का नेम वगैरह बता देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है साथियों कुवैत का सबसे कम जॉब आता है, ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज होती हैं, सर कुवैत का जॉब बताओ, कुवैत का जॉब बताओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्टेड हैं तो देख लीजिए। सीवी सिलेक्शन अर्जेंट में रहेगा, ठीक है साथियों। कुवैत की मशहूर कंपनी एमईसीसी कंपनी कुवैत को चाहिए डम ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर हेवी, इसके लाइसेंस की बात कर रहा हूं मैं। इंडियन चिप लाइसेंस ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, चिप वाला लाइसेंस, एंड आपके पास ऑल जीसीसी लाइसेंस एक्सेप्टेड हैं। अगर आपके पास बाहर का कोई भी लाइसेंस है तो वो बहुत ही आपका वैल्यूएबल रहेगा, आपका उसमें सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, विदेश में जो अनुभव बंदा होता है उसका। सैलरी की बात करें साथियों तो 140 KD प्लस 20 KD आपको खाना प्लस ट्रिप मिलेगा। इंपॉर्टेंट समझने की बात है, ट्रिप इंपॉर्टेंट होता है ड्राइवर में, आपको सबको पता होगा जो ड्राइवरी का जॉब करते हैं उनको पता होता है। 140 KD प्लस 20 KD आपको खाने की मिल जाएंगी, प्लस आपका ट्रिप रह जाएगा, यानी समथिंग बंदा 35-40 हज़ार तो सीधा सा कमा रहा है, ट्रिप करके बहुत अच्छा पैसा 50 हज़ार के समथिंग आराम से बंदा इसमें कमा सकता है। पासपोर्ट की कंडीशन देख लीजिए, अप्लाई करते समय 27 मंथ वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए, जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो 27 मंथ आपके पासपोर्ट में होना जरूरी है, ठीक है साथियों। वन ईयर वैलिड इंडियन लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आपका 1 ईयर वैलिड होना चाहिए, ये नहीं कि 4 महीने 5 महीने बाद आपका इंडियन लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, 1 साल तक वैलिड आपका होना चाहिए। ओनली मेडिकल फिट कैंडिडेट ही संपर्क करें, अनफिट संपर्क ना करें। तो ये कुवैत सीवी सिलेक्शन से रिलेटेड जॉब था, मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको पासपोर्ट, लाइसेंस एंड मेडिकल फिट की रिपोर्ट लेकर पासपोर्ट ऑफिस में लेकर पहुंचना है। अनिस प्लेसमेंट सर्विसेज, ये एड्रेस मैं डाल दूंगा, इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे से भी एड्रेस ले सकते हैं, इसमें आप जा सकते हैं। रजिस्टर्ड मैन पावर ऑफिस के द्वारा ये काम होगा, तो टेंशन लेने की मेरे हिसाब से जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं कुवैत सीवी सिलेक्शन ड्राइवर जॉब में, तो मेरे हिसाब से सैलरी की बात करें साथियों तो कुवैत में कम से कम यार हेवी लाइसेंस वाला बंदा है तो 50-60 हज़ार तो आराम से बंदा कमा ही लेता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मेडिकल फिट की नॉर्मल रिपोर्ट आपको साथ में लेके जानी है, ये नहीं कि वो मेडिकल तो बाद में होता है, जो वीजा आने के बाद नॉर्मल फिट की रिपोर्ट देनी पड़ती है ताकि उनको वीजा निकाल सकें, क्योंकि कुवैत का सिस्टम होता है 2 मेडिकल होते हैं, एक कच्चा मेडिकल जिसको बोलते हैं, एक पक्का मेडिकल। कच्चे मेडिकल से वीजा नंबर आता है, वो वीजा नंबर लेके गमका में जाना होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। तो मेरे हिसाब से मैंने इंक्वायरी दे दी, इंटरेस्टेड हैं तो इस में आप अप्लाई कर सकते हैं, सीवी सिलेक्शन में ये जॉब रहेगा आपका, ठीक है। बाकी आपका अग्रीमेंट वगैरह आप जब कॉन्टेक्ट करते हो तो आपके सामने होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। वीडियो साथियों मैंने इंक्वायरी दे दी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर रोज आने वाले टॉपिक पे सही इंक्वायरी सही मोटिवेशन आपको मिलता रहे, जिससे धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।